नमस्कार दोस्तों, झारखंड मौसम चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रांची समेत झारखंड के विभिन्न जिलों में मौसम में बदलाव, उतार चढ़ाव जारी और तेज हवाओं के साथ परिवर्तन होगा। लोहरदगा, लातेहार, कोडरमा, खूंटी, जामताड़ा, हजारीबाग, गुमला, गोड्डा, गिरिडीह, गढ़वा, पूर्वी सिंहभूम, दुमका, धनबाद, देवघर, बोकारो, चतरा, सिमडेगा, खरसावां, सरायकेला, साहिबगंज, रांची, रामगढ़, पलामू, पाकुड़ समेत झारखंड के किसी भी जिले, गांव या शहर में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आप झारखंड के कौन से जिले, गांव या शहर में रहते हैं। तो दोस्तों, सर्दी के सितम से थोड़ी राहत, अगले 5 दिनों तक मौसम मिला जुला रहने के आसार। झारखंड की राजधानी रांची समेत अगले 5 दिनों तक मौसम में बदलाव नहीं होगा। सुबह और शाम के समय कुहासे के साथ ठंड रहेगी। राज्य के उत्तरी हिस्सों में दोस्तों अधिक कुहासा पड़ सकता है, लेकिन रांची और राज्य के दक्षिणी भागों में यह अपेक्षाकृत कम पड़ेगा। 5 दिनों में आमतौर पर मौसम साफ रहेगा और यहां पर रांची समेत मौसम विभाग की माने तो सबसे कम 7.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जबकि रांची के शहरी भागों का अधिकतम तापमान 25.4 डिग्री और न्यूनतम तापमान 11.4 दर्ज किया गया। जमशेदपुर समेत दोस्तों आने वाले जो है ना नए साल के साथ यहां पर मौसम में बदलाव होगा और झारखंड में बारिश के आसार देखने को मिलेंगे। जनवरी दोस्तों जो है यहां पर जनवरी महीने में लगभग देश के सभी हिस्सों का मौसम बदलने वाला है, क्योंकि एक नया पश्चिम विक्षोभ एक्टिव होने के साथ 1 जनवरी 2024 को मौसम खुशनुमा रहेगा। हालांकि 2 जनवरी शाम से मौसम में बदलाव के संकेत है और 3 जनवरी से झारखंड के कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार राज्य में फिलहाल अगले कुछ दिनों तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से जो है कुछ अधिक ही रहेगा। इस स्थिति में राज्य में अधिकतर जिलों में अधिकतम तापमान 25 और न्यूनतम 12 डिग्री के सेल्सियस के आसपास की संभावना है। मौसम में हो रहे परिवर्तन को देखते हुए दोस्तों यहां पर विभिन्न स्थानों पर किसानों को सलाह दी गई है कि कम तापमान और नमी से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए सुबह के समय खड़ी सब्जियों और फसलों में हल्की सिंचाई करें। इसी के साथ दोस्तों मौसम में बदलाव, उतार चढ़ाव जारी और मौसम मिला जुला भी रहेगा और ठंडा सोना भी देखने को मिल सकता है और बादलों की वजह के साथ बदलाव होते हुए भी नजर आ रहा है। रांची समेत आसपास के इलाकों पर लोहरदगा, लातेहार, कोडरमा, खूंटी, जामताड़ा, हजारीबाग समेत बादल छाए रहेंगे। उतार चढ़ाव जारी और ठंडा सोना भी मौसम रिकॉर्ड किया जा रहा है। साथ में यहां पर अधिकतम न्यूनतम तापमान में उतार चढ़ाव जारी है। इसी के साथ दोस्तों यहां पर न्यूनतम तापमान 6.2 डिग्री था, जबकि दोस्तों विभिन्न इलाकों पर मौसम मिला जुला, उतार चढ़ाव जारी और तेज हवाओं के साथ परिवर्तन होगा और बादलों की वजह के साथ दोस्तों कुछ जगहों पर मौसम साफ और कुछ जगहों पर धुंध छाई रहने के आसार भी हमें देखने को मिलेंगे। इसी के साथ दोस्तों यहां पर बताया जा रहा है कि 3 जनवरी के आसपास कई जगहों पर बरसात होने की संभावना है और कई हिस्सों में दोस्तों जो है ना इस समय काफी ज्यादा जगहों पर 3 से 4 जगहों पर मौसम काफी ठंडा सोना और कोहरे के कारण लोगों को काफी दोस्तों जो है विजिबिलिटी में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। झारखंड के कई हिस्सों में मौसम में बदलाव होगा। अफगानिस्तान दोस्तों जो है उत्तर पश्चिम में उठा विक्षोभ जो है कमजोर पड़ने से रांची समेत लगभग पूरे झारखंड में आसमान साफ हो गया था। ऐसे में धूप की किरणें सीधी पड़ रही और ठंड के कारण मौसम में भी दोस्तों दिन में गर्माहट आ गई है। अब बताया जा रहा है कि अधिकतम न्यूनतम तापमान में मिला जुला और रांची समेत आसपास के इलाकों पर जो ना रांची का अधिकतम 25 के आसपास और न्यूनतम 12 के आसपास गया और मेदिनीनगर और आसपास के इलाकों पर रिकॉर्ड तोड़ गढ़वा समेत तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है। झारखंड में अगले 5 दिनों तक कोई बदलाव की संभावना तो नहीं, लेकिन रांची मौसम विभाग की माने तो जनवरी की शुरुआत के साथ मौसम में ठंडक और परिवर्तन होते हुए नजर आएगा और बादलों की वजह के साथ शहरी भागों में अधिकतम तापमान 25 के आसपास और रात के समय 11-12 के करीब जाते हुए नजर आएगा। रांची मौसम विभाग की माने तो अगले 5 दिनों तक आसमान साफ है, ठंड में इजाफा होने की उम्मीद बहुत कम है। दरअसल देश के पश्चिमी और उत्तरी हिस्सों में मौसम साफ है और हवाओं का रुख शांत है, जिसकी वजह से न्यूनतम तापमान में बड़े बदलाव की आशंका नहीं है। मौसम विभाग ने बताया कि संताल परगना के सभी जिलों में तापमान ज्यादा है। पाकुड़ में सर्वाधिक 28 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने बताया कि पश्चिम विक्षोभ का सिस्टम मजबूत होने की वजह से मौसम स्थिर है और आने वाले दिनों में ठंड में इजाफा भी देखने को मिलेगा। उतार चढ़ाव जारी है, मौसम में बदलाव है, मौसम ठंडा सोना भी रहेगा, तापमान गिरते हुए नजर आएगा और तेज हवाओं के साथ झारखंड के अनेक इलाकों पर बादलों की वजह के साथ परिवर्तन भी देखने को मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों मौसम मिला जुला रहने के साथ हलचल होते हुए भी नजर आएगी और बादल छाए रहने के आसार भी कई जगहों पर देखने को मिल सकता है। साथ में लोहरदगा, लातेहार, कोडरमा, खूंटी, जामताड़ा समेत कई जगहों पर लोग जो है ना दोस्तों सुबह और शाम के समय यहां पर लकड़ी जलाकर अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ मौसम विशेषज्ञों ने खास करके बच्चों और बुजुर्गों को अपनी सेहत पर ध्यान देने के लिए कहा गया, क्योंकि सबसे ज्यादा दोस्तों सर्दी, जुकाम और अन्य बीमारियां सर्दी के समय इन्हीं के ऊपर देखने को मिलती है। अब दोस्तों एक एक जिले की बात किया तो यहां पर लोहरदगा में 10-11 बार रात के समय दिन में 23-24 के करीब तापमान रहेगा। मौसम में ठंडक, उतार चढ़ाव जारी और तेज हवाओं के साथ परिवर्तन होगा। लातेहार में 10-11-12-13 रात के समय दिन में 23-24 के करीब तापमान रहेगा। मौसम में ठंडक, उतार चढ़ाव जारी है। कोडरमा में 12-13-14-15-16 रात के समय दिन में 24-25 मौसम में ठंडक, उतार चढ़ाव जारी रहने के आसार है। खूंटी में 11-12-13 रात के समय दिन में 22-23 के करीब तापमान रहेगा। मौसम में ठंडक, उतार चढ़ाव जारी है। जामताड़ा की बात करें तो यहां पर 11-12-13 रात के समय दिन के समय दोस्तों यहां पर 25 के आसपास तापमान रहेगा। बादलों की वजह के साथ मौसम में ठंडक है। हजारीबाग में दोस्तों 11-12-13 रात के समय दिन में 23 के आसपास तापमान रहेगा। बादल छाए रहेंगे, उतार चढ़ाव जारी है। गुमला की बात करें तो 11-12-13 रात के समय तो दिन के समय 23 के आसपास तापमान रहेगा। बादल छाए रहेंगे, उतार चढ़ाव जारी, तेज हवाओं के साथ मौसम में ठंडक रहेगा।
गोड्डा की बात करें तो 14, 15, 16, 17 रात के समय, दिन में 26 के आसपास तापमान रहेगा। पूरे 7 दिन बादलों की वजह के साथ मौसम में ठंडक है। मौसम मिला जुला रहेगा, बादलों की वजह के साथ बदलाव होते हुए भी नजर आएगा और उतार चढ़ाव जारी रहने के साथ ठंडा और सुहाना भी कई जगहों पर मौसम देखने को मिल सकता है। गिरिडीह में 12, 13, 14, 15 रात के समय तो दिन के समय 24 के आसपास तापमान रहेगा। मौसम में ठंडक, उतार चढ़ाव जारी और बादलों की वजह के साथ बदलाव होते हुए नजर आएगा तो कुछ जगहों पर और भी ज्यादा मौसम ठंडा और सुहाना होते हुए नजर आएगा। गढ़वा में 11, 12, 13, 14 रात के समय दिन में 24-25 के करीब तापमान रहेगा। मौसम में ठंडक, उतार चढ़ाव जारी और बादलों की वजह के साथ बदलाव होते हुए मौसम में नजर आएगा। साथ में पूर्वी सिंहभूम में 14, 15, 16 रात के समय दिन में 26-27 के करीब तापमान रहेगा। बादल छाए रहेंगे, उतार चढ़ाव जारी और तेज हवाओं के साथ परिवर्तन है। दुमका में 14, 15, 16 रात के समय दिन में 26 के आसपास तापमान रहेगा। बादलों की वजह के साथ मौसम में ठंडक, उतार चढ़ाव जारी रहेगा और तेज हवाओं के साथ परिवर्तन है। धनबाद में 13, 14, 15, 16 रात के समय दिन में 25-26 बादल छाए रहेंगे, उतार चढ़ाव जारी और तेज हवाओं के साथ मौसम में ठंडक रहेगा। देवघर में 14, 15, 16 रात के समय दिन में 25-26 के करीब तापमान रहेगा। बादल छाए रहेंगे, उतार चढ़ाव जारी है। मौसम में ठंडक के साथ बदलाव और मौसम मिला जुला भी देखने को मिल सकता है। बोकारो में 13, 14, 15, 16 रात के समय दिन में 24-25 मौसम में ठंडक, उतार चढ़ाव जारी, बादलों की वजह के साथ बदलाव होते हुए नजर आएगा। चतरा की बात करें तो 11, 12, 13, 14, 15 रात के समय दिन में 23-24 मौसम में ठंडक, उतार चढ़ाव जारी और बादलों की वजह के साथ बदलाव होते हुए नजर आएगा। सिमडेगा में 13, 14, 15 रात के समय दिन में 25 के आसपास तापमान रहेगा। मौसम में ठंडक के, उतार चढ़ाव जारी और मौसम मिला जुला भी रहेगा और बादलों की वजह के साथ बदलाव होते हुए नजर आएगा तो कुछ जगहों पर और भी ज्यादा ठंडा सोना रहेगा। वही दोस्तों शुक्रवार के आसपास आप स्क्रीन पर देख सकते हैं काफी ज्यादा जगहों पर बादलों की वजह के साथ मौसम आंख मिचोली चल रही है। कई जगहों पर दोस्तों तापमान 23-24 के करीब अधिकतम तापमान था वो सीधा 26-27 के करीब तापमान आ चुका है। पूरे सप्ताह भर दोस्तों मौसम काफी ठंडा और सोना रहेगा और भारी भयंकर ठंड के आगाज जो है काफी कम देखने को मिल रही है, यानी कि आने वाले एक सप्ताह तक मिला जुला मौसम रहते हुए नजर आएगा। खरसावां की बात करें तो 14, 15, 16 रात के समय तो दिन के समय दोस्तों 25 के आसपास तापमान है। दोपहर के समय धीरे धीरे बादल भी छाए रहेंगे लेकिन फिर भी 26 के आसपास तापमान रहेगा। बादल छाए रहेंगे, उतार चढ़ाव जारी है और रात के समय में भी दोस्तों कड़ाके की ठंड से काफी राहत मिलती हुई नजर आई है। कुछ जगहों पर दोस्तों ठंडी हवाएं जरूर चल रही है लेकिन दोपहर के समय में भी थोड़ी बहुत कड़क चटके वाली धूप भी देखने को मिल रही है। साथ में बादल भी छाए रहेंगे, उतार चढ़ाव जारी। रविवार के आसपास दोस्तों भारी बादलों की वजह हमें देखने को मिल सकती है। सरायकेला की बात करें तो 14, 15, 16 रात के समय दिन में 26 के आसपास तापमान रहेगा। मौसम में ठंडक के, उतार चढ़ाव जारी और बादलों की वजह के साथ बदलाव और मौसम मिला जुला रहने के साथ ठंडा और सोना भी जरूर देखने को मिलेगा। साहिबगंज की बात करें तो साहिबगंज में 14, 15, 16, 17, 18 रात के समय दिन में 26 के आसपास तापमान रहेगा। मौसम में ठंडक, उतार चढ़ाव जारी है। तेज हवाओं के साथ परिवर्तन और मौसम मिला जुला भी रहेगा और बादलों की वजह के साथ बदलाव होते भी नजर आ रहा है। और यहाँ पर दोस्तों धीरे धीरे तापमान में काफी इजाफा देखने को मिला है। साहिबगंज में जो 10-11 के करीब तापमान था वो दोस्तों यहाँ पर 14-15 के करीब रात के समय आ चुका है। अब और भी ज्यादा ठंडा और मौसम मिला जुला रहने के साथ और भी ज्यादा हलचल और परिवर्तन होते हुए नजर आएगा। इसी के साथ दोस्तों यहां पर काफी ज्यादा जगहों पर रांची की बात करें तो रांची में 11, 12, 13 रात के समय दिन में 22-23 के करीब तापमान रहेगा। मौसम में ठंडक, उतार चढ़ाव जारी है। रामगढ़ की बात करें तो 11, 12, 13 रात के समय दिन में 23-24 मौसम में ठंडक, उतार चढ़ाव जारी और तेज हवाओं के साथ परिवर्तन होगा। साथ में पलामू की बात करें तो पलामू में 11, 12, 13, 14 रात के समय दिन में 24-25 के करीब तापमान है। बादलों की वजह के साथ मौसम में ठंडक, मौसम मिला जुला रहेगा। बादलों की वजह के साथ ठंडा सोना भी रहेगा, उतार चढ़ाव जारी है। पाकुड़ की बात करें तो पाकुड़ में 16, 17, 18 रात के समय दिन में दोस्तों जहां पर 24-25 के करीब तापमान था वो 27 के आसपास चला गया और मौसम ठंडा सोना, उतार चढ़ाव जारी है। और यहां पर भी तेज हवाओं के साथ मौसम में मिला जुला और बादलों की वजह के साथ बदलाव देखने को मिलेगा। आप भी झारखंड में रहते हैं तो कौन से जिले, गांव या शहर में रहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ आप सभी को बता दूं 24 से 48 घंटों के दौरान मौसम मिला जुला रहने के साथ ठंडा और सोना रहने के आसार काफी अधिक से अधिक जताए जा रहे हैं। साथ में यहां पर दोस्तों जो है ना मौसम विभाग की मान तो रांची में कल रात को भी काफी ज्यादा जगहों पर ठंडा और सोना मौसम देखने को मिला था। आप ज्यादातर इलाकों पर परिवर्तन होते भी नजर आ रहा है, कड़ाके की ठंड का सामना भी कर रहे हुए नजर आ रहे हैं। साथ में बादलों की वजह के साथ परिवर्तन और हलचल भी काफी अधिक रहेगी। तो आप झारखंड में कहां पर रहते कमेंट करके जरूर बताना।